नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। महाराष्ट्र में हलचल, अजीत पवार 30 विधायक लेकर बीजेपी संघ जाने को तैयार। यूपी के प्रयागराज के बाद कौशाम्बी में भी इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव, आज उनका भोपाल दौरा हुआ रद्द। G20 की 100 मीटिंग में 111 देशों के 12,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में बड़ा हादसा, होर्डिंग गिरने से 5 लोगों की मौत। हरियाणा के करनाल में राइस मिल की 3 मंजिला इमारत गिरी, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। बिहार पटना सिटी में रिफाइंड ऑयल के गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर। यूपी के 6 मनोनीत MLC 20 अप्रैल को लेंगे शपथ, विधानसभा के टंडन हॉल में होगा कार्यक्रम। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,633 नए मामले, 11 मरीजों की मौत। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, 2 गिरफ्तार।